श्री शिवाय नमस्तु। महाराज, अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तिल्ली का लेपन। तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, और हमारे यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से एक लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर, रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर जल चढ़ा दीजिए। बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, संपदा बढ़ेगी। जिस घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, एक रुपए कमा रहे हो, सवा रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में चार चार लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा है, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। तीन रविवार आपको करना है सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, बार नक्षत्र समय घड़ी पल दिन ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए, एक एक पल एक एक घड़ी एक एक क्षण शिव बनाते, शंकर निर्माण करते, भूमि का प्रभाव होता है। ये उसी में का क्रम है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है, कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रख, क्या रखना है, जौ के आटे की रोटी उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़, और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर काय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए, उस काम में फतेह हो जाएगी, हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा। शंकर भगवान की आराधना करी, गंगा वहां पर विराजमान हुई, तो भगवान काशी विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। शास्त्र कहता है किसी को शनि लग जाए, काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उतारिए शरीर पे से, कहीं एकांत में जाकर पेड़ के नीचे खड्डा खोद के उस डिब्बी को दबा दीजिए। महाराज शनि समाप्त हो जाता है, शनि का क्रोध नहीं रहता, ना ढैया ना साढ़े सात, परेशान नहीं करता कभी विश्वनाथ का स्मरण। इसलिए काशी 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 प्रतिदिन 5 बार बोलना चाहिए, कुछ मत बोलो तो काशी काशी 5 बार बोलो, तो भगवान शिव का स्मरण चित्त धारण होता है। महाराज कोई ग्रह परेशान नहीं करता, अरे दुनिया के लोग राहु का जाप अलग कराएं, केतु का जाप अलग कराएं, चंद्र का जाप अलग कराएं, शंकर के पूरे शिवलिंग में, शंकर के पूरे शरीर में सारे ग्रह विराजमान है। महाराज चंद्र आया तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुआ, केतु आया भगवान ने अंदर विराजमान करा, स्वयं राहु आया भगवान ने जटा में विराजमान करा, जितने भी ग्रह शंकर के, इसलिए शंकर का भजन करने वाले को कोई ग्रह दोष होता ही नहीं है, ना राहु ना केतु ना मंगल ना कुछ भी नहीं। आपको कहा था हनुमान जी 6 भाई है, कितने भाई हैं, 6, हनुमान गतिमान केतुमान रतिमान मतिमान से तुमान, ऐसे हनुमान जी 6 भाई। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लगाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। महाराज कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, रतिमान गतिमान रतिमान रतिमान का नाम लीजिए, पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतवरी मानक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है भैया तेरा मैं पैसा लुटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है, रतिमान का। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए,
शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। शंकर के समर्पण के दिन वो काशी में जो भगवान